है ना फंक्शन तो फंक्शन के बारे में फिर से सुन लो क्या होता है मैंने बोला था फंक्शन कुछ नहीं एक रिलेशनशिप है जैसे जैसे समझो मैं और मेरे फादर, समझो मैं मैं और और मेरे मेरे फादर फादर तुम एक थर्ड पर्सन हो मैं और मेरे फादर बैठे हुए हैं ठीक है तुम्हें नहीं पता है कौन है वो किस क्या रिलेशन मेरे साथ तो तु, तुम आओगे तुम्हारे लिए मैं एक हूं और मेरे फादर एक दूसरे एंटिटी हैं

कोई क्वांटिटी आ जाएगी जैसे टाइम आ गई मेरी जगह पे जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया था टेम्परेचर आ जाएगा कभी फोर्स होगा जैसे मैं एक फोर्स हूं ये कोई टाइम है मेरे फादर टाइम है और मैं एक फोर्स हूं दो अलग अलग चीजें हो गई ना दो अलग अलग लोग हैं वहां इंसानों की बात करें तो यहाँ फिजिक फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे जैसे फोर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम जितने नाम जानते हो तुमने सुने आज तक मोमेंटम मास बहुत कुछ तो ये सभी समझ लो तुम्हारे लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं नाउ जैसे तुमने मेरे और मेरे फादर में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की ना नहीं समझा तो तुमने मेरे से पूछा सर हु इज इज दिस व्हाट द रिलेशन तो वैसे ही डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उसको देख के अपने को समझ में आना चाहिए क्या रिलेशन किसके साथ है गेटिंग माय पॉइंट तो जैसे मैं और मेरे फादर दो अलग है तो वैसे समझो मैं टेम्परेचर हूं और मेरे फादर डिस्टेंस है ठीक है तो अब तुम आओगे बोलोगे सर आप ये दिख रहे हो मेरे को अलग और आपके फादर दिख रहे हैं तो जैसे टेम्परेचर एंड डिस्टेंस ना वट इज द रिलेशन ऑफ द टेम्परेचर विद डिस्टेंस तो जैसे मैं क्या बताऊंगा मैं अपने तो आई माई रिलेशन विद दिस मैन इज द फादर सन रिलेशन तो जो रिलेशन है ना यही सब जो फंक्शन है जैसे फादर व्हाट इज माय रिलेशन फादर विद दिस पर्सन मॉम के साथ मेरा क्या रिलेशन है तो मदर तो वैसे समझ लो फंक्शन होंगे कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन होंगे कुछ लीनियर फंक्शन होंगे कुछ ट्रिगनोमेटिक फंक्शन होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे किसके बीच में जैसे दो हमें दो इंसान है वैसे दो डिफरेंट वेरिएबल्स हम उसको वेरिएबल्स बोलते थे ना तो मैंने क्या बोला जैसे एक वाई होगा और एक एक्स होगा जैसे मैं हूं और मेरे फादर हूँ तो वैसा कुछ होगा डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे तुम्हें बट मैं बोलूंगा नहीं 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 ट वी आर डिपेंडेंट आई एम डिपेंडेंट ऑन माई फादर समझ में आ रही है बात मेरा रिलेशन है तो हाउ यू एक्सप्रेस इन मैथ्स और इन साइंस हाउ यू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप तो कैसे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन वेरी कोर पॉइंट ऑफ द मैथ्स बिकॉज मैथ्स क्यों बोर लगता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता क्यों पढ़ना है एक बार हमें वो बात समझ में आने लगी नहीं इसलिए पढ़ना है यार तो जस्ट मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू मैथ्स ओके वो तुम्हें मैथ्स के टीचर्स पढ़ाएंगे मेरा काम क्या क्या है 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 कि मैथ्स क्यों जरूरत वो डेड सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं इट्स वेरी ना हमें बहुत जगह जरूरत पड़ती है तो वैसे देखो y एंड x इसको हम क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको वेरिएबल्स ये एक वेरिएबल है ये दूसरा वेरिएबल है जैसे मैं यहां हो सकता हूं हो सकता है यहां पे मेरे फादर आ जाए यहां मेरी मोम आ जाए तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा कोई भी आ सकता है ना मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो इन जनरल वी रिप्रेजेंट वेरिएबल्स बाय वन वेरिएबल बाय वाई एंड अनदर वेरिएबल बाय एक्स एंड मैंने बताया दोनों वेरिएबल हैं वेरिएबल मतलब चेंज हो रहे हैं जैसे टेंपरेचर डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था सपोज मैंने मैं मुंबई से नासिक की तरफ जा रहा हूं तो जहां रास्ते में मुझे टेम्परेचर में चेंज मिल रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद डिस्टेंस तो सपोज दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस इज द डिस्टेंस क्लियर तो क्या रिलेशन है वो फंक्शन बताएगा उसका तो एक वेरिएबल जो होगा उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड वन उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज डिपेंडेंट वेरिएट वेरिएबल समझ में आ रही बात जैसे नासिक समझो एंड से मैंने नासिक लिखा ये यहां से वन एटी किलोमीटर पे मुंबई है नासिक मुंबई तुम यहां से चलना स्टार्ट करते हो यू आर गोइंग फ्रॉम नासिक टू मुंबई तो, तो तुम्हें रास्ते में दो चीजें चेंज होंगी पहले क्या यहां से यहां की डिस्टेंस डिस्टेंस चेंज होगा डिस्टेंस एंड दूसरा क्या चेंज होगा टेम्परेचर नाउ तुम खुद लॉजिकली सोचो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैं पूछू डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर के साथ डिस्टेंस हो रहा है विच इज इंडिपेंडेंटली चेंजिंग डिस्टेंस और टेम्परेचर ऑब्वियसली यू विल से कि सर नहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है सॉरी डिस्टेंस चेंज हो रहा है आप तो जा रहे हो वो तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग

डिड नॉट टेल यू कि वट काइंड ऑफ रिलेशन इज दिस हाउ टेम्परेचर डिपेंड ऑन दिल डिस्टेंस तो यह कौन बताएगा यह फंक्शन बताएगा जैसे देखो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम मैं बोलूंगा टेम्परेचर समझो टेम्परेचर को मैं कैपिटल डी से लिख दे रहा हूं टेम्परेचर टेम्परेचर टी इज द फंक्शन ऑफ

मैं एफ एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं लॉग एक्स प्लस टू कुछ भी है ना देखो दिस ऑल आर फंक्शन दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन दिस इज फंक्शन दिस इज लीनियर फंक्शन एंड एक्सपोनशियर भी ले सकता हूं ओके okay? समझ में आ रही बात तो ये हुआ तो ये क्या बताता है तुम्हें ये तुम्हें बताता है टेम्परेचर का रिलेशन डिस्टेंस के साथ है एक ये इंफॉर्मेशन दिया दूसरा क्या क्या बोला टेम्परेचर डिपेंड ऑन डिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई ओके नाउ आई अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड डिस्टेंस टू एक्सप्ल टू कुछ ऐसा कोई एक रैंडम को एग्जांपल लिया मैंने समझ में आ रही बात ठीक है तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड वन इज इंडिपेंडेंट एंड

लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, ठीक है ये सब चीजें हमने कई हम लोगों तो लो तो सेम नहीं मिलेगा ठीक है ना ऐसा मत सोचना कि सर, जो वीडियो में आपने, देखो मैं हर बार एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा सेम टॉपिक अगर मेरे मैं अगर तुम्हें यही टॉपिक कल पढ़ाऊंगा कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा कुछ नए एग्जाम्पल दूंगा कुछ नए तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ठीक है ना ऐसा नहीं कि सर आपने तो उसमें अलग तरीके से पढ़ा नहीं मैं अलग तरीके से पढ़ाता क्योंकि मेरे को पता है जैसे मैंने बोला ना अगर तुम्हें चीजों की अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन क्रिएट कुछ भी नया एग्जाम्पल मन से बना सकते हो तुम ठीक है ना तो, तो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है किस तरह से होगा क्या होगा कैसे समझाना है वो तुम खुद क्रिएट कर सकते हो एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो मैथ्स का फर्स्ट जो सेक्शन होगा दैट इज एलजेब्रा तो फर्स्ट वन एल्जेब्रा एल्जेब्रा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके इक्वेशन का मतलब क्या होता है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग ओके

Plus c सी इज इक्वल टू x square plus b x plus c. बस ये है. देखो given इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ये भी एक आर्ट है एक है. कि मेरे को पता है में देगा वो है ना distorted फॉर्म जैसे हम लोग को या फिर Rubik's क्यूब solve करते हो ना तो Rubik's क्यूब को उल्टा बुल्टा कर देते हैं

तो बस ये सबसे पहला काम ऐसा करना है कि जीरो एक तरफ होना चाहिए बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ होने चाहिए क्लियर तो पहला जो स्टेप होगा सेकेंड ए एंड इज इज बी एंड सी देखो एक्स आर स्क्टेंट ऐसे समझो ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स ए कुछ भी हो सकता है टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू एनीथिंग बी भी कुछ और कुछ भी हो सकता है माइनस वन माइनस टू माइनस वन बाई टू एनीथिंग C भी कुछ भी हो सकता है क्लियर तो abc आर कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं बट इसमें a स्पेशल है a एक चीज नहीं हो सकता रियल नंबर्स में एक अलाउड नहीं है क्या अलाउड नहीं है a मस्ट नॉट इक्वल टू 1 सॉरी 0 a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 a 0 नहीं हो सकता बाकी कुछ भी हो सकता है ये बात समझ में आ गई बात तो a 0 नहीं होना चाहिए पहली बात बाकी कुछ भी हो सकता है देखो एक और टेक्निकल टर्म दिस इज वॉट ए एक्स स्क्वायर मतलब a इन टू एक्स तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बोलते हैं तो टेक्निकली व्हाट वी से a इज द कोफिशियंट ऑफ टेंशन नहीं लेनी है फैक्टर कोफिशियंट कुछ भी बोलो बट मैथ्स की लैंग्वेज में जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है ना ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ही ना ऐसे लिख लो साइड में लिख देता हूं ए बी सी आर कॉन्स्टेंट लेकिन याद रखो ये कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो एबीसी पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं कोई टेंशन नहीं है बट ए क्या नहीं हो सकता जीरो नहीं हो सकता बस बी जीरो हो सकता है अलाउड है सी जीरो अलाउड है ए जीरो अलाउड नहीं है क्लियर क्योंकि तब वो क्वाड्रेटिक नहीं बन पाता है है ना सुनो ए कोफिशिएंट तो ए क्या है एक्स स्क्वायर का है ना तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे क्योंकि किसका किससे मल्टीप्लाई हुआ है एक्स स्क्वायर से फिशंट ऑफ एक्स स्क् वी कोफिशेंट ऑफ कोफिश ऑफ ऑफ एक्स एनसीज कॉन्स्टेंट गेटिंग सुनो अब पहला पहली बात है यार क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं क्वाडेटिक का मतलब क्या होता है लेटेस्ट में डिफरेंट लैंग्वेज में क्वाडेटिक को क्या बोलते हैं टू तो देखो इस इक्वेशन में एक्स एक वेरिएबल है ओके

टू इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये कंडीशंस मैंने बता दी तुम्हें वन नहीं लिखते हैं क्यों क्योंकि लोगों को अपना नेटवर्क चेक कर लो कुछ प्रॉब्लम होगी शायद ठीक okay? है ये बात समझ में आई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने तुम्हें बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने का देखो जैसे क्या होता है कभी कभी जैसे एक एग्जाम्पल दू मैंने बोले चलो ठीक है मैंने एग्जाम्पल दिया फोर प्लस एक्स स्क्वायर मैं तुमसे बोलू व्हाट इज पहले बताओ इक्वेशन है कि नहीं है एक्स स्क्वायर एक्स देखो

फोर x एक्स टू दावर जीरो देखो दिख रहा तुम्हें x कि किसी भी चीज का पावर अगर जीरो है पावर बोलते हैं ना पावर जीरो तो दैट क्वांटिटी विल इक्वल टू वन तो फोर इज मैं लिखने का तरीका बोल रहा हूं फोर को ऐसा भी तो लिख सकता हूं फोर इंटू एक्स टू दावर जीरो एक्स टू दावर जीरो वन तो फोर आ जाएगा

लेकिन एक तरफ होने चाहिए सब तो मैं क्या करूंगा मुझे दिख रहा है यार इन, इन यहां पे इन दो को इधर लाना पड़ेगा तो इससे बेटर है काम आसान करना है तो सिर्फ इसको उधर ले जाऊं मैं हो जाएगा तो इसको इधर ले जाओ तो कैसे करोगे ये पहले से कौन बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर बैठे हुए हैं ये टू एक्स उधर जाएगा तो तुम्हें पता है जब हम शिफ्टिंग करते हैं इक्वल साइन के लेफ्ट से राइट है राइट से लेफ्ट तो साइन क्या होता है चेंज तो यहां पर प्लस टू है तो उधर जाकर के

Of x, square, ना? What is the of x और यहाँ पे सी क्या What is c नॉट 4 देखो क्योंकि प्लस होता था यहां तो माइनस है तो इसका मतलब प्लस की जगह माइनस माइनस फोर पूरा सी है तो c सबको समझा या नहीं समझा पहले बताओ मुझे किसी को डाउट है इसमें no, sir. किसी को डाउट कोई डाउट नहीं है no. चलो इसका स्क्रीन ले लो तुम ठीक है नंबर वन स्क्रीन शॉट नंबर वन इसे तुम्हारे कॉपी पे होना चाहिए नोट स्क्रीन लो जल्दी <coughs> हो गया कौन ले रहा है स्क्रीन ले लिया ठीक yes, okay. है एक ले लो ग्रुप पे शेयर कर देना फिर सभी लोग के पास हो जाएगा सबको लेने की जरूरत नहीं है ओजल तुम ले रहे हो? ओजल। यस। ओके ठीक है लेकर के ग्रुप पे शेयर कर देना लगे क्लास में <coughs> No, देखो अब नेक्स्ट जो होगा ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना सीख लिया याद रखना रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती है वो क्या है ऑफ जीरो नहीं होना चाहिए बस आप सुनो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सॉल्व करना हाउ वी सॉल्व क्वार इक्वेशन एंड व्हाट इज बीन बाय ूशन ऑफ क्वार इक्वेशन देखो समझो तो <coughs> so, मैं यहां लिख रहा हूं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी है कुछ नहीं है सारी चीजें अपनी ही बनाई हुई हैं ठीक है देखो okay. अब सॉल्व करना है यार किसी चीज को सॉल्व करना है कैसे करते हैं देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं पहले मैं फिर मैं फिर बाद में बताता हूं तुम्हें सुनो एक एग्जाम्पल एक्स स्क्वाइनस फोर इज इक्वल टू जीरो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके ओके अब तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक कैसे है क्वाड्रेटिक है कि नहीं अच्छा व्हाट इज ए हियर व्हाट इज ए हियर वन बिल्कुल सही वट इज बी हिरोसो फोर माइनस फोर बी माइनस फोरस फोर जीरो चलो देखो कैसे है कुछ लोगों को कंफ्यूजन है देखो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्स स्क्वायर ये तो बोलना नहीं है भाई प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या प्रॉब्लम है देखो इधर x2 दिखा यस yes, दिखा x दिख रहा है क्या इस टर्म में इस इक्वेशन में x दिख रहा है तुम्हें तो नहीं दिख रहा इसका मतलब x का टर्म जीरो हुआ है तो बता मेरे को x ये पूरा टर्म जीरो कब होगा जब b क्या होगा जीरो इसका भी मतलब b क्या रहा होगा जब, अरे भाई x कुछ भी हो अगर b जीरो है तो जीरो 0 एनीथिंग क्या होता है 0 होता है तो x से कोई मतलब नहीं है तो b 0 इसका मतलब इस इक्वेशन में b 0 है और माइनस फोर तो कांस्टेंट होता है ना जिसके साथ देख एक ही टर्म होता है जिसके साथ x नहीं लगा होता है और वो क्या होता है c तो व्हाट इज c हियर माइनस फोर तो ये तुमने समझ लिया कि ओके okay, ऐसा है सभी को समझा ये कैसे हुआ ठीक है अब सुनो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ सुनो दिस इज एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज जीरो इज एन इक्वेशन इक्वेशन का मतलब क्या हुआ ध्यान से सुनना एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेफ्ट लेफ्ट साइड में क्या है

जीरो है ये समझ गया नहीं ये बात समझ में आई कि ये पूरा किसके इक्वल है जीरो अब तुम बोलोगे सर कहा जीरो है? यही तो बात है देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो इट मींस कि यू हैव टू सेलेक्ट यू हैव टू सेलेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्योंकि एक्स कुछ भी हो सकता है बट यू हैव टू सेलेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स इन सच अ वे दैट एक्स स्क्वायर माइनस फोर बिकम X 4 become, यही तो होता है यही सोल्यूशन है तो वही एक्स की वैल्यू सुनो दैट वैल्यू ऑफ एक्स दैट पर्टिकुलर वैल्यूज एक्स फॉर विच एक्सर माइनस फोर बिकम जीरो सोल्यूशन ऑफ देशन नहीं समझा फिर सेफ्ट तो में है एक्स स्क् माइनस फोर ये बोल रहा है कि मेरे को किसके इक्वल कर दो जीरो के इक्वल कर दो रो रहा है कि कुछ मत करो मेरे साथ बस मेरे को एक्स इक्वल कर दोस्टेंट तो अच्छा, रुक, 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 तो तो यार वी कैन नॉट चेंज फोर वट वी कैन चेंज वी कैन डू समथिंग विद एक्स बोले रुक तेरे से कुछ करता हूं मैं, मैं बोलूंगा तो एक बात बता भाई तेरे को क्या रखू मैं तो एक्स बोलेगा अब एक्स

कैसे yes. yes. तो, तो yes, करेंगे अब देखो समझ में समझ मतलब the... मतलब. लेकिन मैं तुम्हें अभी बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं एक्स स्क् माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो समझ में आ रही बात तो ये कुछ तुम्हें एल्जेब्रिक इक्वेशंस पढ़े होंगे थ में भी टेंथ में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी एंड सबको आता है कि नहीं यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है कि नहीं आता है सभी को आता है किसी को नहीं आता बताओ सभी को आता होगा ठीक है गुड वैसे मैं लास्ट में जो मैं कुछ आइडेंटिटीज लिखवा दूंगा बट सुनो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना So, no. यहां एक्स स्क्वायर को देख के कुछ कुछ ख्याल आया कि ए स्क्वायर माइनस और माइनस है तो ये बन सकता है लेकिन फोर है तो फोर को मैं स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकता हूं ये आई कैन राइट दिस बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बीज स्क्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एज एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर सही है ना दैट इज देयरफॉर वी कैन राइट X minus 2 x plus प्लस is equal to zero. Clear? देखो लिख सकता हूं ना मैंने इसको ऐसे लिख दिया अब अब सुनो, सुनो. ध्यान से सुनो. बस ये यह, तक मुझे था एक्चुअली Now सुनो so no. <coughs> multiplication ऑफ दिस एंड दिस पूरा एक टर्म लो x minus टू एक टर्म है एंड x plus टू दूसरा टर्म है multiplication of this ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू बात बताओ कितने तरीके से जीरो कर सकता हूं मैं यहां से देखो कैसे कर सकता हूं तो मैं बोलू लॉजिकली मैं बोलू कि यार एक बार तो ये कब हो सकता है एफ x माइनस टू इज जीरो देखो इधर जब भी ऐसे दो फैक्टर्स आ जाए ना तो कब ये इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू जीरो कब होगा जब x माइनस टू इंडिपेंडेंटली जीरो हो जाए

और रूट्स ऑफ दी इसको मैथ्स में ऐसे भी बोल सकते हो सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ इस पर्टिकुलर क्वार इक्वेशन का सोल्यूशन कितना हो गया प्लस टू एंड माइनस टू ये दोनों सोल्यूशन हो गया या फिर बोलते हैं रूट्स ऑफ सोल्यूशन बोलो या मैथ्स के लैंग्वेज में रूट्स भी बोल दो कुछ प्रॉब्लम नहीं है रूट ऑफ क्वारेटिक क्वारेटिक क्वार इक्वेशन तो इसको x1 बोल दूंगा मैं एक x तो दो x है ना x ऐसे मत बोलो एक को x1 बोल दो x1 कितना हो गया प्लस टू एंड x2 कितना हो गया माइनस टू टू रूट ऑफ पर्ड इक्वेशन तो जिसको सॉल्यूशन बोला था हमने मैथ्स की लैंग्वेज में रूट्स बोलते हैं है ना इस सब टर्म्स के तुम्हें यूज टू होना पड़ेगा अब बताओ किसी को प्रॉब्लम है कैसे किया किसी को प्रॉब्लम है सिर्फ ये देखो और ये तुम्हें कैसे करते हैं ये तुम्हें समझ में आएगा धीरे धीरे देर प्रैक्टिस से इंपॉर्टेंट क्या है मुझे ये बताना था देखो जब भी दो चीजें ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो तो एक बार एक एक बार को जीरो करो तुम्हें की वैल्यू मिलेगी फिर सेकेंड सोल्यूशन के लिए दूसरे को जीरो करो तो दो वैल्यू जैसे एक्स इक्व टू देखो कर डाल के देखो एक्स इक्वस टू टू डालो इसमें तो टू माइनस टू जीरो इंटू फोर जीरो आने का आएगा कि नहीं सेटिस्फाई है second देखो एक्स इक्व माइनस टू अब इसमें टू डालो तो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर जीरो के लिए एक वार्ड इक्वेशन जीरो स्क्रीन शॉट ले लो नंबर टू किसी को डाउट है पूछ लो कोई प्रॉब्लम है इसमें तो रूट सोल्यूशन का रूट्स का मतलब समझा क्या होता है सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ दर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू क्या नीचे लेना है कैमरा uh, थोड़ा नीचे लेना अच्छा नीचे नहीं आ रहा है क्या एक सेकेंड इज इट ओके सर स्क्रीन शॉट ले लिया yes. तो लिख भी सकते हो लिख लो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन ठीक है ना तो सोल्यूशन ऑफ दिस का मतलब क्या हुआ कि फॉर दैट फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू इक्वालिटी साइन मस्ट बी फॉर दोज वैल्यूज आर नोन एज सोल्यूशन ठीक है चलो फिर मैं आगे चलता हूं इस कर रहा हूं मैं अभी ये तो एक नॉर्मल सी चीज मैंने बताई तुम्हें अब देखो एक स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन होता है किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो तुम उससे तो दो मेथड होते हैं इक्वेशन को सोल्व करने के एक क्या होता है फैक्टर factor, फैक्टराइजिंग है ना तो फैक्टर करके तुम क्वार इक्वेशन सोल्व कर सकते हो लेकिन मैं उसको बोलता हूं मना करता हूं तुम लोगों को ठीक है सिंपल इक्वेशन हो तो सोल्व करो बट कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थोड़े लेंदी आते हैं तो वहां से थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि उसमें दिमाग बहुत लगता है ठीक है तो सुन लो पहले मैं जो बता रहा हूं उसको उसको उस तरह से करो सिंपल देखो तो मैं लिख रहा हूं तुम्हें सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला तो होता है उसको फैक्टराइज करके करते हैं वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं ठीक है वो तुम क्योंकि उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है ठीक है बहुत सिंपल है देखो कैसे करना है तुम्हें

यही सोल्यूशन निकलेगा वो क्या सोल्यूशन है ध्यान से देखो तो पहले ऐसे कोई भी क्वालिटी क्वेश्चन दिया हो तो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई तो स्टेप वन क्या होगा देखो देखो स्टेप वन कैसे सॉल्व करोगे ट्राई टू राइट द गिवन द गिवन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बीस प्लस सी में लिख दो उसको स्टेप टू क्या होगा व्हाट इज स्टेप टू फाइन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी कैसे निकालोगे बाय कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंपेयर कर लो उसको कंपेयर करके तुम्हें मिल जाएगा एक बार ए बी एंड सी देन यूज फॉर्म लास्ट स्टेप थ्री अब मुझे ये अप्लाई करना है, क्या अप्लाई है देखो रूट्स कितने होंगे दो होंगे एक एक्स वन होगा वो क्या होगा माइनस बी ए बी सी तुम्हें पता है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू एके एंड सेकेंड ये तो पहला एक पहला सोल्यूशन हुआ एक्स का दो आने चाहिए ना जैसे प्लस टू माइनस टू तो एक एक्स वन आएगा प्लस टू जैसा दूसरा एक्स टू माइनस टू जैसा माइनस बी देखो बिल्कुल याद रहना चाहिए माइनस बी तो माइनस भी रहेगा बस एक ही डिफरेंस है एक्स वन एक्स टू में यहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट ओवर ब्रैकेट रूट के अंदर सेम होगा बी स्क्वायर माइनस By, नीचे भी में भी सेम होगा टू ए एकदम ईजी कुछ नहीं है इससे ज्यादा मेरे को देखो मेरे पास दिमाग कम है तो मेरे को अच्छा लगता है जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो फैक्टराइजेशन से करते हैं ठीक है ठीके? तो मेरे को तो भाई मैथ्स आती नहीं है तुम लोगों को ज्यादा मैथ्स आती है

ठीक है है तो उस तरह से completing the square, वो difficult है। मैं ना, unnecessary, difficulty की तरफ मत जाओ We are not going to study maths. हमें ऐसा नहीं बनना है कि नहीं नहीं अब मैं तो दुनिया की सारे क्वालिटी क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा नहीं हमारा वो पर्पज यहाँ पे नहीं है मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था अवर पर्पज टू लर्न द मैथ्स इज जस्ट टू सॉल्व टू मेक अस एबल टू सॉल्व द फिजिक्स प्रॉब्लम उसके लिए बहुत बेसिक मैथ्स आती है उतनी होनी चाहिए हमें जो दिमाग लगाना है ना फिजिक्स में लगाना तुम जब मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा ना तब देखता हूँ अभी तो मैथ्स में नहीं लगाना नहीं मैथमेटिशियन मत बनो अभी अपने को फिलहाल इस लेक्चर में लेना है तो ये हो गया हमारा अब सुनो अब चलो एक इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तुम सॉल्व करो फाइंड सोल्यूशन ऑफ गिव एन क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन ओके मैं लिख रहा हूं टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स को जॉबी माइनस जीरो चलो फाइंड दिस सोल्यूशन एक्स वन की वैल्यू बताओ एवरी वन ट्राइवल ओके तो मैंने यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा उसके बाद एबीसी कंपेयर करके एबीसी निकाला उसके बाद एक्स वन इक्वल टू दिस नाउ मैंने वैल्यूज डाल दी इसके अंदर आप सुनो माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये सेवन हो गया प्लस रूट ओवर माइनस सेवन स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर माइनस इनटू माइनस अगेन तो फोर्टी हो जाएगा सेवन स्क्वायर तो डेट इज फोर्टी नाइन यहां माइनस और यहां माइनस देखो ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स ठीक है ना डिवाइड बाय फोर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो देखो क्या हो रहा है पहला क्या आया सेवन प्लस रूट ओवर फिफ्टी सिक्स कितना हुआ फाइव वन डिवाइड बाई फोर बस हो गया X1, अच्छा एक बार बताओ क्या मेरे को दोबारा ये सब करने की जरूरत है X2 के लिए व्हाट इज वैल्यू बताओ वक्स X2 सेवन so माइनस yes. करने की जरूरत नहीं क्योंकि देखो ना X2 क्या होता है तो इतना डिफिकल्ट uh, दिखता है लेकिन डिफिकल्ट होता नहीं है ये अगर तुम्हें मल्टीप्लीकेशन फास्ट कर सकते हो तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ईजी है तो देखो डे एक्स टू क्या हो जाएगा क्या होता है माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए तो मैंने सब कुछ तो किया है यार तो इसका मतलब सिर्फ यहां पे प्लस की जगह माइनस आना चाहिए कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें सिर्फ क्या कर दो यहां पर माइनस रूट वन जीरो फाइव डिवाइड बाई फोर अब आंसर देख देखिए घबराने की जरूरत नहीं सर ऐसे कैसे तो ये बिल्कुल है फैक्टराइज नहीं कर सकते थे तो तुम इसको नहीं कर सकते थे यू आर फोर्स टू यूज दिस मैथडम तो वाई शुड वी नॉट गो फॉर उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। कहीं पे अप्लाई होता है देखो ऐसा नहीं कि हर जगह अप्लाई नहीं होता बट उसको सोचना फैक्टराइज करना अपने आप में डिफिकल्ट काम है अगर तुमने फैक्टराइज कर लिया तो हो जाएगा वो मेथड और मेथड से सॉल्यूशन सेम आता है प्रॉब्लम इज दैट फैक्टराइज़ करना ये डिफिकल्ट है, ठीक है इसीलिए मैंने ये बताया तुम्हें हो गया हो गया ओके yes. okay. चलो एक मैं फैक्टराइज़ करके तुम्हें बता देता हूं कि कैसे उससे करते हैं कभी कभी क्या होता है कि कुछ इज़ीली जो जो इज़ीली फैक्टराइज़ कर सकते हैं ना तो ये मेथड लंबा हो जाता है फिर तो फिर हम उस वहां पे कर लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस से तो डॉक्टर के, के तरीके से बता देते हैं अच्छा इसको क्या प्रॉब्लम है? है ना ऐसा नहीं होता है क्या होता है ऐसा बिल्कुल तो वैसे ही तुम्हें क्वेश्चन देखे क्वालिटी इक्वेशन को देखोगे तुम तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ओके इसको मैं फैक्टराइज करना चाहिए मुझे या फिर स्मार्ट मेथड या मास्टर मेथड से करना चाहिए मास्टर मेथड है ना अब मैं स्मार्ट मेथड बताता हूँ तो जो स्मार्ट लोग हैं यार वो ये करें है ना जो मेरे जैसे लोग हैं वो वो मेथड करेंगे तो स्मार्ट मेथड क्या है स्मार्ट मेथड टू टू सॉल्व क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कैसे करते हैं फैक्टराइजिंग तो है ना फैक्टराइजिंग कैसे सुनो टेंशन मतलब उसकी बस क्या है देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तुम्हें टू एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक सेकेंड लेट मी चेक ओके ठीक है तो यह इक्वेशन है इसको सॉल्व करने को दिया तुम्हें फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो पहला मेथड क्या है हमारे पास कि यार अगर मेरा कुछ मेरे पास दिमाग कम है ना मेरे टाइप के हो तो उधर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी थोड़ा क्योंकि एक्स इधर है इसको बीच में ला देखते हैं तो इसको लिख सकता हूं मैं थोड़ा रीअरेंज करूंगा तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो ना दिस इज फाइन ये बढ़िया स्टैंडर्ड में आ गया। अब वाले को ऐसा तोड़ना है तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये दिखता नहीं है बट करना पड़ता करना पड़ेगा है ना रफ वर्क तो एक तरफ टू है तो टू इंटू फिफ्टीन कितना आ रहा है देखो थर्टी आ रहा है ना ये रफ वर्क होता है टू इंटू फिफ्टीन थर्टी टू इंटू फिफ्टीन थर्टी है ना तो ना फिफ्ट थर्टी को ऐसे ब्रेक करो कि उसका सम क्या है माइनस सेवन बात समझा मैंने क्या बोला फिर से सुनो पहले टू को और फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करो कोने में ले जाकर के तो टू इंटू फिफ्टीन थर्टी हो गया नाओ थर्टी को ब्रेक इन टू पार्ट सो दैट सम ऑफ दैट टर्म

प्लस थ्री माइनस टेन प्लस करेंगे क्या पक्का yes तो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी मल्टीप्लाई कितना हो रहा है मल्टीप्लाई कितना हो रहा है उसका माइनस थर्टी -30 थर्टी माइनस थर्टी आ रहा थर्टी नहीं आ रहा यार कुछ और सोचो कुछ और सोचो कुछ और, सोचो। कुछ और सोचो। माइनस थ्री माइनस टेन माइनस क्या वो भी नहीं गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने कुछ क्वारी क्वेश्चन सही लिया कि नहीं पहले रुक जाओ Yo, मेरे को देखने रुको मैंने क्या बनाया था सर इट शुड बी माइनस फिफ्टीन माइनस यस सर माइनस फिफ्टीन एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सर फैक्टर्स एक सेकंड मैंने क्या बनाया था रुक जाओ गलत हो गया ये माइनस इलेवन होना चाहिए ठीक I mean है माइनस इलेवन होना चाहिए ठीक है वो थोड़ा फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो so, देखो कैसे करना है अभी एक सेकंड फिर से रोको एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टी इलेवन एक्स प्लस फिफ्टी। ठीक है हाँ यस अभी देखो ठीक है अभी इसको इलेवन एक्स कर दो माइनस इलेवन एक्स कर दो ठीक है फिलहाल तो क्या हो जाएगा ये माइनस इलेवन अभी हो जाएगा फैक्टराइज क्योंकि वो वो प्रॉब्लम फिर फिर आ जाएगी इस मेथड से नहीं हो पाया क्या क्या? को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका सम क्या आना चाहिए माइनस इलेवन तो कैसे करें माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस फाइव बिल्कुल सही देखो थर्टी सिक्स इंटू 30 को ब्रेक कर दू एक माइनस सिक्स कर, दो, दूसरा, minus 5 कर दो, तो इन दोनों का सम, minus 6 plus minus 5, क्या आ minus 11 आ रहा रहा है है कि नहीं नहीं समझा। और multiply करो माइनस सिक्स इंटू माइनस फाइव थर्टी आ रहा है तो बस मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है नाउ आई विल ब्रेक दिस तो आई विल राइट माइनस इलेवन एज माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन

करेक्ट इसमें क्या कॉमन है माइनस फाइव तो मैं यहां से माइनस फाइव कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या एक्स और यहां पे पर X X तो दूसरा क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो बहुत लोग कर रहे होंगे सर सही बोल रहे थे यही बोल, सोच रहे हो ना कि सर वही बोल वही अच्छा था देखो अभी अब सुनो दो मेथड आ रहा

प्रॉब्लम है किसी को बोलो बोलो no, जल्दी देखो अच्छा ये डिफिकल्ट लगा कि इजी लग रहा है इजी इजी लग रहा है सिर्फ देखो इजी है लेकिन जिसके प्रैक्टिस होगी उसके लिए प्रैक्टिस नहीं है तो देखो जैसे मैंने किया क्या किया इसको मल्टीप्लाई किया इसको साथ फिर उसके ब्रेक तो, तो अननेसेसरी दिमाग खर्च हो रहा है मेरा मुझे तो ऐसा लगता है कि अननेसेसरी मेरा दिमाग यूज हो रहा है जबकि मैथ्स फिजिक्स में ये काम मेरे को इसके इसको फिजिक्स के लिए बचा के रखना है कैलकुलेशन में मेरे को इसका मिनिमम यूज करना है अगर तुम्हारा मैथ्स सब्जेक्ट है तो तुम्हें फैक्टराइजेशन आना ही चाहिए ठीक है ना बट अगर मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो डोंट यूज डोंट वेस्ट योर टैलेंट ना इन अननेसेसरी कैलकुलेशन तो क्या करना है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ

बहुत सारे शॉर्टकट्स बताते हैं लोग बट करो सब कैसे 30 को? तो दिमाग देखो दिखेगा सिक्स फाइव तो क्योंकि तो प्रैक्टिस से अच्छा अच्छा थर्टी भी होता बट माइनस इलेवन आना चाहिए तो यू कैन नॉट राइट सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि एड करने में माइनस इलेवन आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर थर्टी आना चाहिए तो यू हैव टू राइट एंड तो बिकॉज़ से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 2x और तो 2x, 2x है. देखो बहुत सारे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी अच्छा मुझे बताओ ये मैं जो, इसके बाद मैंने जो किया इसमें कितने लोगों को प्रॉब्लम है कि सर ये कैसे निकाल रहे हो इसमें से टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन मैंने इसका एक पेयर बनाया इसका एक पेयर बनाया यहां से मैंने टू एक्स बाहर निकाला तो टू एक्सर बाहर निकालने का मतलब समझते हो कॉमन का कि ना टू एक्स देखो मुझे दिख रहा है यार इसके अंदर भी टू एक्स है इसके अंदर भी टू एक्स है ये प्रैक्टिस से दिखेगा तुम्हें तो टू एक्स तो बाहर निकालो तो बाहर निकालने मतलब टू एक्स स्क्वायर में डिवाइड कर दो टू एक्स से तो टू एक्सक्वायर बाई टू एक्स करोगे तो सिंपल एक्स आएगा और सिक्स एक्स में डिवाइड करोगे टू एक्स से तो थ्री आएगा तो बस लिख दिया यहाँ पे मुझे फाइव फाइव दिख रहा था एक्स नहीं है यहाँ पे बाहर देखो यहाँ पे कॉमन नहीं एक्स तो मैं माइनस फाइव को कॉमन लिया तो माइनस फाइव, से मा फाइव, कर तो फाइव कोई करो सेम आएगा तो एक पेयर एक्स माइनस थ्री का बना दो जो बाकी बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख दोट में ना एक्स माइनस थ्री एंड टू एक्स माइनस फाइव देर आर टू फैक्टर्स एक बार सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे एक बार एक्स माइनस थ्री को जीरो करो दूसरी बार टू एक्स माइनस फाइव को जीरो क्लियर so है कि नहीं है फिर से बताओ किसी को भी डाउट है पूछ लो फिर से कोई डाउट है तो यस गुड गुड सभी को बढ़िया ठीक है